जिलाधिकारी कृष्णा करोड़ेश ने बढ़ती ठंड को देखते हुए सभी कक्षा 1 से 12 तक के विद्यालय को बंद करने का निर्देश जारी किया था, लेकिन मंगलवार को जिलाधिकारी आवास से महज 100 मीटर की दूरी पर संचालित द पिलर्स पब्लिक स्कूल धड़ल्ले से खोलकर बच्चों से परीक्षा ले रहा था। जब मौके पर मीडिया के कैमरे ने इन बच्चों को कैमरे में कैद करने की कोशिश की तो विद्यालय कर्मचारी अपना चेहरा छुपाकर भागते नजर आए, जिसके संबंध में सिटी मजिस्ट्रेट अंजनी कुमार सिंह ने बताया कि द पिलर्स पब्लिक स्कूल खोले जाने का मामला संज्ञान में आया है, उक्त प्रकरण की जांच करवाया जाएगा। यदि विद्यालय द्वारा जिलाधिकारी के निर्देश का उल्लंघन करते हुए विद्यालय खोला गया है तो बीएसए के माध्यम से विद्यालय के खिलाफ कार्रवाई करवाई जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट अंजनी कुमार सिंह ने कहा, क्या करता है परीक्षा जिलाधिकारी महोदय द्वारा 7 तक के बढ़ती ठंड को देखते हुए कक्षा 1 से 12 तक के विद्यालय बंद करने का निर्णय, उसके बावजूद द पिलर्स स्कूल विद्यालय खोला हुआ है, सर क्या कार्रवाई की जाएगी? ये पिलर्स स्कूल के संबंध में जो जो ये जानकारी आप लोगों द्वारा दी जा रही है, इसके संबंध में हम लोग भी अपने स्तर से जांच करा लेते हैं, और यदि उनके द्वारा जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों के अवहेलना करते हुए स्कूल खोला गया है तो बीएसए के माध्यम से उचित कार्रवाई कराई जाएगी। सर देखा जाए इतनी ठंड है, इसके बावजूद इस तरह का उल्लंघन कितना? नहीं, स्कूलों को संवेदनशील होने की आवश्यकता है, चूंकि ठंड के दृष्टिगत ही जिलाधिकारी महोदय द्वारा छुट्टियों का निर्देश दिया गया था, फिर भी अगर स्कूल खुले होने की सूचना अगर इस तरह से आ रही है तो हम लोग एक बार जांच करा लेते हैं कि क्या कारण था कि उनके द्वारा अवहेलना की गई है, और अगर ये चीज़ें सत्य निकलती है तो उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।